हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिल विद गिल्स। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें है 1.5 कप उड़द दाल, जिसे मैंने 3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, 3 चम्मच राइस फ्लावर, 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट, चुटकी हींग, 3 से 4 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 5 से 6 हमें चाहिए करी लीव्स, 1 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सोख की हुई दाल को जार में डाल लेते हैं और फिर करेंगे इसे ग्राइंड। अब दाल को मैंने ग्राइंडर में डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, ये फ्रिज वाला पानी है वो मैंने डाला है इसमें। अब इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, महीन ग्राइंड करना है हमें इसे। तो मैंने इसे महीन पीस लिया है, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब मैंने दाल के मिक्सचर को ग्राइंडर से अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे एक ही डायरेक्शन में हम 15 मिनट तक बीट करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो हमारे मेदू बड़े सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी भी बनेंगे। तो 15 मिनट तक हमें एक ही डायरेक्शन में इसे बीट करना है अच्छे से। इसे एक ही डायरेक्शन में बीट करते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स, पर उससे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है और गैस कर दिया हाई पे ऑन। जब तक ऑयल हमारा हीट होता है हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डाल लेते हैं। पहले डालेंगे राइस फ्लावर, साथ में डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, कटा हुआ धनिया, नमक, अदरक, करी लीव्स और हरी मिर्च कटी हुई, और साथ में डालेंगे हींग, और इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने मिक्सचर को रेडी कर लिया है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा हम मेदू वड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मेदू की शेप बनाने के लिए हम पहले अपने हाथ पे पानी लगाएंगे, उसके बाद जो मिक्सचर है उसको हाथ पे लेंगे। अब जितना साइज चाहिए आप उसी हिसाब से बैटर का क्वांटिटी लोगे। अब इसमें एक होल करेंगे, जैसे कि मेदू की शेप होती है बिल्कुल ऐसे। बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे हल्की सी शेप देके ऐसे ऑयल में डाल देंगे ऐसे, और बस इसी तरह से बाकी मेदू वड़े हम बना लेते हैं और उसे फ्राई कर लेते हैं। मैं मेदू वड़े पैन में उतने ही डालने हैं जितनी उसकी कैपेसिटी हो, और हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसे निकाल लेंगे। साथ साथ में इसे फ्लिप करते रहें ताकि ये जले ना, और गैस आपकी मीडियम टू हाई पे होनी चाहिए। तो मेदू वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने हैं।
इसी प्रोसीजर से हम सारे मेंदू वड़े बना लेते हैं, फिर इसे करेंगे सर्व। तो हमारे मेंदू वड़े बनकर रेडी हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बने कैसे हैं अंदर से। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं अंदर से, ये देखिए। तो अब इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। और मैं इसे सर्व कर रही हूँ पीनट की चटनी के साथ और कारा चटनी के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मेदू वड़े बनकर रेडी हैं। और आपने देखा इसे बनाना कितना ही आसान है और ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ मिलकर इसे बनाएं, खाएं और मज़े करें। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने यम्मी और फ्लफी बने थे हमारे मेदू वड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।